वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक वंडरफुल प्रोडक्ट मोबाइल नेटवर्क बूस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सामान लगता है, क्या प्राइसेस है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मोबाइल नेटवर्क बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिमोट एरियाज में या सिटीज में काम आता है, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क फोन पे बात करने के लिए नहीं आता हो या फिर इंटरनेट की स्पीड स्लो चलती हो, उस केस में मोबाइल नेटवर्क बूस्टर एक वंडरफुल प्रोडक्ट है एंड इट कैन डू वंडरफुल फॉर यू। मोबाइल नेटवर्क बूस्टर में तीन चीजें लगती हैं। पहला होता है आउटडोर एंटीना, जो कि इस तरीके का नजर आता है। ये होता है एक एलपीडी एंटीना, इसको आपको अपनी टेरेस के ऊपर लगाना पड़ता है, एटलीस्ट 30 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इसको मैंने देखिए आपको फोटोग्राफ डाली है किस तरीके से इसको हाइट देनी पड़ती है इस एलपीडी एंटीना को। सेकेंड कॉम्पोनेंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क बूस्टर। मोबाइल नेटवर्क बूस्टर कुछ इस तरीके का नजर आता है और ये तीन बैंड पे सपोर्ट करता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, हर नेटवर्क के लिए कंपैटिबल है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पैच एंटीनाज अवेलेबल होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। ये इंडोर पैच एंटीनाज होते हैं जो कि आपके घर के अंदर सिग्नल को स्प्रेड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ कनेक्टर्स वहां देखने को मिलेंगे जो हमें बूस्टर और एंटीना को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। उन कनेक्टर्स के नीचे अगर आपको देख पा रहे होंगे कुछ वायर है, LMR 300, 400 केबल्स, जो हमें एंटीना और राउटर को, एंटीना और सिग्नल बूस्टर को कनेक्ट करने में मदद करता है। इसको लगाने के बाद आपको नेटवर्क की कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके OTPs वगैरह कभी लेट नहीं आएंगे, कॉल ड्रॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फुट एरिया में काम करता है। इसका प्राइस अलग अलग मॉडल्स पे वेरी करता है। आपको टेरेस के ऊपर LPD एंटीना चाहिए या फिर ओमनी एंटीना चाहिए, वायर आपको LMR 300 चाहिए या LMR 400 चाहिए, और क्वांटिटी के ऊपर प्राइस वेरी करता है। अगर इसके प्राइसेस के बारे में आप जानना चाहते हो और फीचर जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।